पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में मर्द हों या ख्वातीन, सभी ने शिकस्त का हार पहनकर वतन वापसी की राह ली। लेकिन पाकिस्तान के असल हीरो तो वो बच्चे बने जिन्होंने स्ट्रीट चिल्ड्रन फुटबॉल टूर्नामेंट में तीसरी पोजीशन हासिल की। स्ट्रीट चिल्ड्रन फुटबॉल टीम को खराज तहसीन पेश करने के लिए सिंध असेंबली मद्दु किया गया। हमारे जैसे और बच्चे भी हैं, उनको भी यहाँ पर लाए और हमारे लिए भी कुछ। पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, पाकिस्तान की स्ट्रीट पर टैलेंट बहुत है। टीम के खिलाड़ियों का जोश अपनी जगह, लेकिन अराकीन असेंबली ने भी नशिस्तों से खड़े और बेंच बजाकर इनका शानदार इस्तकबाल किया। मैं वेलकम करता हूँ हमारी फुटबॉल स्ट्रीट फुटबॉल की टीम आई है। सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने सिंध हुकूमत की तरफ से स्ट्रीट चिल्ड्रन फुटबॉल टीम के हर खिलाड़ी के लिए 2 लाख रुपए का ऐलान किया। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इनके साथ जो है, खास तौर पर जो भी इनकी एजुकेशन का जो है और जो भी इनकी जो पर्सनालिटी को, शख्सियत को और भी निखारने के लिए जो हमारे हम जो भी इकदाम कर सके, वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो तमाम मेजर्स लेगा। सिंध असेंबली में फंक्शनल लीग के नंद कुमार ने मुतालबा किया कि टीम के इन बच्चों को सरकारी मुलाजमत भी दी जाए। सिंध असेंबली में बैठे स्ट्रीट चिल्ड्रन फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों ने ऐवान में कार्रवाई भी देखी। महमूद रियाज, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची।